हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में यूपी जुडिशरी का रिजल्ट आया है। तो यूपी जुडिशरी के लिए अप्रोक्सीमेटली 64,000 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था, जिसमें से 1700 बच्चों ने प्री क्लियर किया है एंड 610 बच्चों का वो फाइनल पूरा क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके, जो उत्तर प्रदेश जुडिशरी क्लियर करके वो जज बने हैं। उन्हीं में से हमारे साथ हैं मेहर जहान, जिन्होंने उन 610 बच्चों में से जिन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया है। तो आज हम उनसे पूरी स्ट्रेटेजी पूरी पूछेंगे कि उन्होंने कैसे प्री मेंस एंड इंटरव्यू का प्रोसेस किया। मेहर जहान जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन, एंड आपने ये इंटरव्यू क्लियर किया एंड पूरा प्रोसेस कम्प्लीट किया। तो मेहर जहान जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा अपने आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में एंड एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। मेरा नाम मेहर जहान है और मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैंने BLLB किया है। BLLB AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैंने LLM किया, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। मेरे मम्मी पापा दोनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही एम्प्लॉयड हैं, पापा अब रिटायर हो गए हैं, और मेरी बहन और जीजू वो लोग डॉक्टर हैं, वो PGI लखनऊ में हैं। मेहर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बेसिकली काफ़ी आज के टाइम में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कभी वो बैंकिंग प्रोसेस में जाना चाहता है, कोई टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, कोई सिविल सर्विस की तैयारी जाना चाहता है, बट जो ये थोड़ा जुडिशरी है, थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, तो आपने ये लाइन क्यों चूज़ किया? बिकॉज आपको, आप किससे मोटिवेट हुए हैं, तो क्या मैं जान सकता हूँ? एक्चुअली मेरे लॉ चूज़ करना ही बहुत ज़्यादा बहुत ऐसा डिसीजन नहीं था कि बहुत सोच समझ के लिया गया हो। मेरे सारे फ्रेंड उस टाइम लॉ का फॉर्म भर रहे थे तो मैंने भी भर दिया। फिर जब हो गया तो घर वालों ने कहा कि प्रोफेशनल कोर्स है, ले लो एडमिशन। फिर जब मैं लॉ में गई तो वहाँ पे जो जितने भी, शुरू तो मैं गई थी क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, ये सोच के कि मैं CA बनूँगी क्योंकि मेरे मामू एक CA हैं, तो उनका सोच के मैं गई थी मुझे भी CA बनना है। बट धीरे धीरे जब मुझे जुडिशरी के बारे में पता चला तो उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता गया। और मेरे फादर के एक दो फ्रेंड्स थे तो वो मेरे फादर उनके घर ले गए मुझे उनसे मिलवाने, तो मुझे उनके लाइफस्टाइल देख के, उनका वो जिस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोसाइटी को, वो देख के मुझे एक इंटरेस्ट आया। फिर मैंने धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया और मैंने ये देखा कि जो भी मेरी सलाहियत हैं, जो मेरे कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा एक जज बन के जुडिशरी में ही सबसे ज़्यादा उभरेंगी, सबसे ज़्यादा मैं इफ़ेक्टिव होंगी उसी चीज़ में, तो मैंने फिर ये डिसीजन लिया जुडिशरी में। मेहर जी, तो आपने पूरा रिसर्च किया, तो हम यहाँ पे बच्चे भी जानना चाहेंगे कि बेसिकली ये जो जुडिशरी का रिजल्ट है, इसका क्या पैटर्न रहता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, तो प्लीज़ बताइए। ये 3 प्रोसेस का होता है, 3 स्टेप्स होते हैं इसमें। प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्री में यूपी जुडिशरी में मेन चीज़ ये है कि GK बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों प्रोसेस में, तीनों स्टेप में। तो प्री में जैसे कि 150 क्वेश्चंस आते हैं GK के और 150 क्वेश्चंस आते हैं लॉ के। तो वो जो 150 क्वेश्चंस लॉ के होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं और 150 क्वेश्चंस ये GK के होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल ये 450 मार्क्स का पेपर होता है। इसी तरह से जब मेंस के लिए आते हैं तो मेंस में 5 पेपर्स होते हैं, सारे पेपर्स 200 मार्क्स के होते हैं और पूरा मेंस 1000 मार्क्स का होता है। उसमें एक पेपर होता है लैंग्वेज का, एक पेपर होता है GK का, एक पेपर होता है प्रोसीजर लॉ का, एक होता है सब्सटैंटिव लॉ का, और एक होता है लैंड लॉस का, लोकल लॉ लैंड लॉस, और पिनल लॉ का, IPC का। और फिर इसके बाद इंटरव्यू होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। मैम, जो यूपी का भी है, अगर मैं ये जान सकता हूँ कि अगर मैं यूपी का क्या, GK का क्या लाइक इंपॉर्टेंस है, लाइक यूपी के बारे में क्या करंट अफेयर्स वगैरह कैसे सब कवर कर सकते हैं? यूपी में जैसे मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है GK, तो 150 तो प्री में ही पूरा उसका होता है। और उसमें हर तरह की चीज़ें आते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं आते, उसमें हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटिकल साइंस भी आती है, करंट अफेयर्स भी आती है। तो इसके बहुत सारे सोर्सेज से हमें पढ़ना होता है, मतलब हर चीज़ ही पढ़नी है, उसमें कोई चीज़ आप छोड़ नहीं सकते। और क्योंकि हर वो जो एक मार्क्स का क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कट ऑफ बहुत क्लोज जाने के चांसेस होते हैं काफ़ी बार। और अभी तो खैर इस बार से नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गई है तो थोड़ी कट ऑफ लो गई थी, बट यूजुअली कट ऑफ इतनी लो नहीं जाती है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी तो उसमें इतने मार्क्स नहीं कटते थे, आपको मिल जाते थे, बट अब नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है तो इससे थोड़ा हो गया है। तो इसलिए भी आपको GK बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होकर पढ़ना होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी बस थोड़ा बहुत पढ़ा सुनी बातों पर मार्क करके आगे। यार जी, ये
मैं बेयर एक्ट के बारे में जान सकता हूँ कि बेयर एक्ट क्या चीज़ है, लाइक इसका क्या बेनिफिट? जी, बेयर एक्ट तो एकदम वो है जहाँ से लॉ निकलता है, और जिसने ये बेयर एक्ट पे महारत हासिल कर ली उसका तो लॉ फिर अनदर लेवल ही चला जाएगा, क्योंकि मेन जो सारा लॉ है वो बेयर एक्ट में होता है, और हम लोग कॉलेज में इतना ज़्यादा यूजुअली मतलब कॉलेजेस में नहीं बताया जाता बेयर एक्ट के इम्पोर्टेंस, तो वो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट स्टार्टिंग से जब आप फर्स्ट ईयर में जाएँ तभी आपको बेयर एक्ट का पता होना चाहिए और उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है। जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल इंग्लिश में वो लैंग्वेज नहीं होती, उसकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है, तो उसका इंटरप्रिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपको एक मुझे याद है कॉन्सेप्ट है सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में, उसका इक्विटेबल सेट ऑफ का, तो एक ऑर्डर 20 रूल 19 में एक वर्ड है अदरवाइज, वो सिर्फ अदरवाइज वर्ड से वो पूरा इक्विटेबल सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो ये कितनी ऐसी चीज़ है कि एक वर्ड से आप एक पूरा कॉन्सेप्ट ही निकाल ले रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंस है बेरा क्योंकि इसका एक एक वर्ड की इतनी इंपॉर्टेंस है। मिहार जी, मैं ये जानना चाहूँगा बेसिकली जैसे प्री मेंस एंड इंटरव्यू, तो इसमें कुछ लैंग्वेज की मैटर करता है, बिकॉज काफ़ी सारे वैसे बच्चे हैं जो सिर्फ हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनका 10th 12th या ग्रेजुएशन उन्होंने हिंदी लैंग्वेज में किया, तो क्या वो लैंग्वेज मैटर करती है कि हमारे को इंग्लिश आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंस है या नहीं, या हिंदी वाले बच्चे भी इसको क्लियर कर सकते हैं? नहीं, बहुत सारे हिंदी वाले बच्चे, हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे क्लियर किया है जिन्होंने, और मैं उनको जानती भी हूँ जो मतलब सिर्फ हिंदी ही में पढ़ा था जिन्होंने, और हिंदी से में बचपन से ही पढ़ा है, तो ऐसा कोई मैटर नहीं है। मतलब अगर आप जिस भी लैंग्वेज में आप कर रहे हैं उसमें आपको यू शुड नो वेल हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन दैट लैंग्वेज। अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो हिंदी में आप अच्छे से अपने आपको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, और जो लॉ पूछा है वो एक्सप्रेस कर पा रहे हो, और दैट इज़ गुड इनफ। और मैं ट्रांसलेशन के लिए बताना चाहती हूँ कि ट्रांसलेशन एक दिन में नहीं होता, आप एक दिन में लेके बैठे और सब कर दिया। उसके लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो मैंने खुद की एक डायरी बनाई थी, एक डिक्शनरी बनाई थी अपनी, जिसमें रोज़ मैं 10 वर्ड लिखती थी ट्रांसलेशन के, और उसमें मैंने ऐसे किया था कि जैसे आप डेट डाल के किया था 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, क्योंकि आप एक चीज़ बड़े उसमें स्टार्ट करते हो कि हम ऐसे करेंगे बट कुछ दिन बाद आप भूल जाते हो, तो मेरा था कि अगर 5 दिन बाद भी आप उसको फिर से करो तो वो 5 दिन का गैप आपको पढ़ना है तभी आप आगे जाओगे। तो इससे आपका हर दिन का एक नेसेसरीली एक 10 वर्ड्स का एक डिक्शनरी बन जाती है, तो बाय द एंड ऑफ 1 मंथ 2 मंथ तो एक अच्छा खासा हो जाता है, जिससे आप आगे फिर ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये मुझे एक बहुत फ़ायदा किया इस चीज़ ने, बहुत हेल्प किया मुझे। मेरे ख्याल से जवाब उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज काफ़ी लोगों के माइंड में ये रहता है कि इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, और इंटरव्यू फेस भी इंग्लिश में, बिकॉज सब प्रोसेस आप हिंदी में भी कर सकते हैं। इंटरव्यू का तो बहुत सारे इंटरव्यू, जो मेरा इंटरव्यू हुआ था ऑल दो मैं इंग्लिश बैकग्राउंड की थी, तो बट उसमें 80% क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए थे, क्योंकि वो देखना चाहते, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट में काम अभी लोअर जुडिशरी में हिंदी में होता है, तो हिंदी आना मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बनिस्बत इंग्लिश आने से। तो इंटरव्यू कैसा आपका, लाइक कैसा राउंड रहा था, बिकॉज कैसे प्रिपेयर होके गए थे, बिकॉज इंटरव्यू के लाइक मेन क्या क्या चीज़ें हमें प्रिपेयर करके जानी चाहिए, या हमें लाइक बिल्कुल बुक से बिल्कुल रेट, क्योंकि आजकल काफ़ी बच्चे हैं बिल्कुल मेन क्या होता है प्री भी इजिली क्लियर, बुक से क्लियर रहता है, मेंस भी क्लियर रहता है, बट इंटरव्यू एक ऐसा सेशन है जिसमें बुक्स अभी काम नहीं आती है, बिकॉज पर्सनैलिटी चेक करते हैं, आपकी नॉलेज चेक करते हैं, ऐसे क्या चीज़ वो चेक करते हैं कि लाइक वो हुआ माइंड से निकल जाए बच्चों की? जी, एक बहुत ऐसा मिसकंसेप्शन है कि जब इंटरव्यू की डेट्स आती है लोग अपनी बुक्स पलटने लगते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, बट ऐसे नहीं है। इंटरव्यू इज़ बेसिकली अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, क्योंकि अगर वो नॉलेज का टेस्ट होता तो नॉलेज उन्होंने प्री में देख ली, उन्होंने मेंस में देख ली, अब नॉलेज नहीं देखना, अब आपको देखना है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप जज बन पाओ, तो मेन उनका टेस्ट यही होता है। उसमें ये भी ज़रूरी नहीं होता कि आप क्वेश्चन सारे दो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते, आंसर नहीं कर पाते, बट स्टिल वो सेलेक्ट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसे होती है। और उसमें ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आप आंसर नहीं दे पाए, तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस तो बिगड़ नहीं जाता, वो तो नहीं खराब हो जाता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर सिचुएशन में अपना कॉन्फिडेंस रखो, चाहे आपको कुछ नहीं आता तब भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि, या और एक ये भी जज्बा होना चाहिए कि ठीक है अभी मुझे नहीं आता है, हम आगे करेंगे, एकदम ऐसे भी नहीं जान जाए कि मुझे नहीं आता मैं तो कभी देखूंगा ही नहीं, पढ़ूंगा नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो यही वो मेन टेस्ट उनका रहता है, और ऐसे नहीं कि आप पढ़ के जो आप सारे 50 के 50 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन पूछे वो आंसर कर दो तो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, तो दैट इज़ नॉट द क्राइटेरिया। बेसिकली इंटरव्यू का ये वो प्रोसेस है जिसमें आपके लाइक बुक्स नॉलेज कम है, पर्सनैलिटी ज़्यादा चेक की जाती है,
मेहर जी, मैं आपसे एक ना स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में जरूर पूछना चाहूँगा, बिकॉज क्या होता है काफ़ी सारे बच्चे हैं वो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहते हैं, तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, कंटिन्यू पढ़ाई भी और कहते हैं ओवर पढ़ाई भी मे भी शायद स्ट्रेस ज़्यादा कर देती है, एंड ऊपर सोशल प्रेशर ज़्यादा है, तो इन सबको आपने कैसे हैंडल किया? मेरे साथ तो मेरा ये सेकेंड अटैम्प्ट था, तो मेरे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि जब फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स का हो गया और मेरा नहीं हुआ था, तो मेरे पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था. बट मेरे लिए तो सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है मेरी फैमिली का, उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है, हर तरह से सपोर्ट किया है. जब भी मैं परेशान होती थी, मैं लगता था अब नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, सबका हो गया मेरा नहीं हुआ, मैं कैसे कर पाऊँगी, तो उस टाइम फैमिली ग्रेटेस्ट सपोर्ट होती है. और मुझे लगता है कि अगर मुझे एक ये भी चीज़ थी कि अभी एक बार तो नहीं हुआ, अभी सेकेंड टाइम भी मैं स्ट्रेस में ही ये टाइम गंवा दूंगी तो वो डबल स्ट्रेस हो जाएगा, अगर दूसरी बार भी नहीं हुआ तो डबल स्ट्रेस हो जाएगा, फिर तो पता नहीं क्या होगा. तो अभी ये ऐसा टाइम है कि अब करना ही है और अब स्ट्रेस के लिए टाइम नहीं है. और फिर उसके बाद मेरे साथ ये भी था कि जब मैं LLM भी साथ में कर रही थी तो मेरे पास हर चीज़ इतना कुछ होता था कि मेरे पास स्ट्रेस के लिए टाइम नहीं होता था. तो शायद आप इतना हर चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखो, नॉट जस्ट पढ़ाई बट और भी चीज़ें जो आपको इंटरेस्ट करती है उस चीज़ में इन्वॉल्व करके रखो कि आपके पास स्ट्रेस के लिए इतना टाइम ना हो. और आप सोचो कि स्ट्रेस आपको कुछ रिजल्ट नहीं देगा, जब भी स्ट्रेस है तो सोचो इससे कुछ रिजल्ट तो होना नहीं है, स्ट्रेस करके हम रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, एट द एंड कुछ नहीं होगा. बट उसी चीज़ को आप किसी दूसरी तरह यूटिलाइज करोगे उस टाइम को तो कुछ आपको एडेंट मिल जाएगा उसमें से. तो ये एक्चुअली ये हर मोमेंट उस डिसीजन होता है, आपको स्ट्रेस हो रहा है वो उसी टाइम आपको डिसीजन लेना है कि नहीं, से नो टू स्ट्रेस एंड से येस टू अदर थिंग्स इन लाइफ. काफ़ी अच्छा आपने जवाब दिया स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए. एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहूँगा कि डेली शेड्यूल क्या रहना चाहिए किस बच्चे का, लाइक कितना पढ़ना चाहिए उनको, बच्चों को? यूजुअली लोग जब नोटिफिकेशन आ जाता है तभी स्टार्ट करते हैं, और एक्चुअली उससे पहले इतना समझ में भी नहीं आता कितना टाइम है हम पढ़ते रहे, एक साल के बाद है नोटिफिकेशन तो वो भी नहीं पता होता, तो वो नॉर्मल है, मतलब वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि सब करते हैं, वो नॉर्मल है. बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, जब भी जिस मोमेंट आपने डिसाइड किया कि आपको जुडिशियल में जाना है तो आप उस मोमेंट वो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए. बट जब एक बार आपका आ जाए शेड्यूल आ जाए कि ये एग्ज़ाम है, तो तब से आप पूरा स्ट्रैटेजी वाइज आप चीज़ करिए कि मुझे प्री की जब तैयारी करें ये मत करिए कि मेंस छोड़ दिया, और मेंस में जाके आप ये मत करिए प्री छोड़ दिया, क्योंकि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं. आप कभी कभी बच्चे होते हैं वो मेंस के लिए इतना पढ़ लेते हैं फिर प्री जब आता है तो वो प्री नहीं हो पाता उनका, क्योंकि प्री के लिए पढ़ा ही नहीं कभी, और फिर प्री क्लियर करके बैठ गए फिर मेंस का नहीं पता आप कहाँ से स्टार्ट करें. तो टाइम इस तरह से मैनेज करना है कि आपका प्री भी हो जाए, उस चीज़ को भी आप थोड़ा रखें और मेंस को भी रखें. और आप अगर हमारे पास हमें लगता है टाइम बहुत कम है, बट एक्चुअली क्या होता है जब आपके पास 24 घंटे हैं और आप उसमें हर मिनट को आप काउंट करेंगे तो वो बहुत बन जाता है. मेरे साथ भी जब ये था, जब मेरा मेंस था उसी टाइम में मेरा LLM का एग्ज़ाम्स चल रहा था, दिसंबर में हमारे LLM में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एग्ज़ाम्स भी आ जाते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स भी आ जाते हैं सेमेस्टर का, फिर उसके बाद बहुत सारे वाइवा प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट सबमिशन ये सब चीज़ भी आ जाते हैं. और उसी टाइम मेरा प्री था और जनवरी में मेंस होने वाला था, तो मेरे पास एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी जहाँ पर मैं इस हद तक अपने एक मिनट को यूटिलाइज कर रही थी कि जब मैं अपने घर से कॉलेज जाती थी तो वो टाइम जो होता था, तो 15 मिनट्स का यू कॉलेज थोड़ा दूर है तो स्कूटी से कॉलेज जाती थी, तो जो वो 15 मिनट्स का टाइम जो होता था उसको भी मैं ऐसे यूटिलाइज करती थी कि अपनी स्कूटी के आगे जो स्पीडोमीटर लगा होता है उसके ऊपर मैं चिट्स लगा के जाती थी, चिट्स लगा के, और ताकि वहाँ पे जैसे कुछ निमोनिक बनाना है उसके ऊपर, इस तरह की चीज़ें मैं लेके जाती थी. तो 15 मिनट में वो निमोनिक बनाती थी या कोई स्टोरी बना के याद करना है तो स्टोरी बनाती थी, ताकि वो 15 मिनट में लगता था कि 24 घंटे 15 मिनट चले जाएंगे तो फिर मेरे पास मैं LLM भी करना है ये भी करना है तो मैं कैसे करूँगी. तो और फिर मैंने अपने घर में हर जगह चिट्स लगा रखे थे, और मुझे उसका प्री में जैसे एक क्वेश्चन था प्री में आया था लक्षद्वीप में कितना आइलैंड है, तो मुझे वो याद आ गया था कि वहीं पर 36 लिखा हुआ है. तो इस तरह से वो आपकी मेमोरी बन गई थी कि हाँ वो कबर्ड के ऊपर एक चिट लगी थी उसमें ऐसा लिखा था. और फिर मतलब हर जगह में वॉशरूम में कबर्ड में हर जगह वो चिट्स लगी हुई थी, या जैसे वीडियोस होते थे StudyIQ के वीडियोस में GK, तो मैंने इसी तरह से कवर किया है, हर जगह नहाने जा रहे हो तो वो वीडियो चल रही है, पीछे पीछे रिवीजन हो रहा है, क्योंकि मतलब इतना कुछ पढ़ने के लिए होता है तो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको याद भी रहे इतना कुछ पढ़ के, तो आप वो वीडियोज़ बार बार देखते रहते हो, कहीं भी जा रहे हो ट्रैवल कर रहे हो तो वीडियोज़ देख रहे हो.
तो इस तरह से आपको मतलब लगता है बहुत कम टाइम है, बट 24 घंटे इफ़ यू यूटिलाइज एवरी सिंगल मिनट ऑफ दैट, तो वो अच्छा खासा टाइम होता है, अब वो कभी कम नहीं होता है। थैंक यू मैम। और मैम ने यहाँ पे ना बहुत एक अच्छा ऑप्शन बताया है, लाइक होता क्या है कि इन्होंने अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट कर लिया था बेसिकली, तब इनको याद भी रहता था और वीडियोज़ को भी इन्होंने काफ़ी देखा। एंड वही बात, अगर आप टाइम मैनेजमेंट को इस तरीके से बनाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि आपको स्ट्रेस आएगा, बिकॉज जो भी अपना खाली टाइम होगा तो उसको थोड़ा सा यूटिलाइज कीजिए। एक बहुत ही अच्छा डेडिकेशन भी अच्छी रही थी, उन्होंने काफ़ी ऑर्गेनाइज भी किया। मैम यहाँ जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बिकॉज प्री मेंस आपकी पूरे प्रोसेस तक आप फाइनल आए, कोई ऐसा फेज भी आया होगा जहाँ पर डीमोटिवेटेड हो गए, यहाँ पे आपके किसी फैमिली पर्सन ने किसी ने अपने सपोर्ट किया, या कोई ऐसा स्पेशल थैंक्स करना चाहें उन सबके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को, कि कोई ऐसे पर्सन सभी मैं बिल्कुल। हाँ, मेरे तो सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत सपोर्टिव हैं, और जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी परेशान हो गए थे, बट उस टाइम मेरे जीजू थे तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुम एक बार और दो, तुम इतने क्लोज आई हो, इंटरव्यू तक तुमसे वापस गई हो, तो तुम यहाँ इतने क्लोज आई हो तो एक अटैम्प्ट और दो और तुम देखना हो जाएगा। फिर और भी जो मेरे मौसी वगैरह सब लोग हैं, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं तुम एक बार, बिकॉज मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक आई थी, तो सबको लगा नहीं अगर तुम इस अटैम्प्ट में इतने क्लोज आई हो तो नेक्स्ट अटैम्प्ट तो दो। तो स्पेशल एक तो नहीं है, मतलब जीजू हैं और मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे पूरा टाइम साथ दिया, और वो नहीं होते हैं तो मैं नहीं शायद नहीं कर पाती मैं ये सब चीज़। हर मिनट जो आपको सपोर्ट चाहिए होता है, हर मिनट आपको लगता है कि मतलब बस अब मैं गिव अप कर दूँगा, तो वो वहाँ पर उनको देख के आपको बस बहुत सारा इंस्पिरेशन आ जाता है कि नहीं इनके लिए मुझे करना है। और बट एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको सोसाइटल प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के लिए आपने कुछ बन भी गया नहीं बने मतलब इतना मैटर नहीं करता, मतलब जो बोलने वाले लोग होते हैं जिनको हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करना है, तो वो आप जो करो वो मोटिवेशन अपने लिए लेके आओ कि हाँ मुझे अपने लिए करना है और मुझे अपने फैमिली के लिए करना है, क्योंकि उन्होंने इतना साथ दिया है तो अब एट द एंड मुझे कुछ रिटर्न देना है उनको, इस फॉर्म में देना है मुझे रिटर्न। ये मत सोचो कि अरे उसने ये बोल रहा था, ये पड़ोसी वो बोल रहे थे, वो चीज़ कट आउट करनी एकदम लाइफ से। हाँ बिल्कुल, मैम ने यहाँ से बताया कि काफ़ी सारा सोशल प्रेशर रहता है, बट उनका आंसर भी बड़ा अच्छा लगा है कि आप उनको सबको इग्नोर करना है, आपको माइंड में ये रखना है कि आपके साथ आपकी फैमिली है सपोर्ट कर रही है, तो मे भी शायद वो सोशल प्रेशर इग्नोर हो जाएगा। एंड मेहर जी मैं आपसे ना लास्ट में टिप्स को जानना चाहूँगा, बिकॉज अब अभी इसी ईयर्स के लिए भी काफ़ी अभी ये एग्जाम दोबारा आने वाला है, तो कुछ स्पेशल टिप्स ऐसे बताइए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए और ईजिली इसको वो भी क्लियर कर सकें प्री या मेन एंट्रेंस। मैं मेंस के लिए एक टिप देना चाहूँगी कि जब आपका मेंस आता है, जब तैयारी करो तो एक्चुअली जब मेंस में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको फिर सोचना पड़ जाता है कि ये क्वेश्चन को मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे लिखूँ, उसमें वो आपके एक दो मिनट चले जाते हैं, तो वो एक दो मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपने पहले से कुछ स्ट्रैटेजी बना के रखी है, जैसे आप कुछ पॉइंट्स बना के रख लो, जैसे आप रेस जुडिकेटा पे क्वेश्चन आना है तो ये सारी चीज़ें मैं लिखूँगा, ये इस तरह से मैं स्टार्ट करूँगा, तो वो चीज़ एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करती है। मतलब अब ऐसे नहीं आपने जिस तरह से रेस जुडिकेटा सोचा वैसे ही आएगा, किसी अलग तरह से आएगा, बट स्टार्ट तो आप एक कॉमन स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कि रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बीच में क्या एसेंस है, क्या चीज़ है, मतलब बेसिक क्या चीज़ है, क्यों आया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आने का, इस तरह की चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप पहले से वो पॉइंटर्स बना के रख लोगे कि अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो मैं इस तरह से स्टार्ट करूँगा, इस तरह से एंड करूँगा, तो वो चीज़ें बहुत हेल्प करती है। और दूसरी चीज़, मतलब लोगों को लगता है कि बहुत सारे केसेस डाल दूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा आंसर, बट ये नहीं है, ये बहुत बेकार स्ट्रैटेजी होती है कि आप बहुत केसेस से भर दो, क्योंकि उनको केसेस नहीं चाहिए, मतलब उनको यहाँ इंपॉर्टेंट केसेस के लिए वो देखते हैं। जैसे अब आपने मर्डर कल्पेबल होम साइड में डिफरेंस लिखा, तब आर वर्सेस गोविंदा आप लिखोगे, बट ऐसा नहीं कि उसमें भर ही दोगे, वो एक अच्छा आंसर नहीं माना जाता इसमें केसेस भरे हुए हैं, कि आपको हर चीज़ बैलेंस करके चलनी है, क्योंकि कम वर्ड्स होते हैं और टाइम लिमिट भी एक लिमिटेड टाइम होता है, तो उसमें आपको करना है, तो हर चीज़ आपको एक बैलेंस्ड वे में करनी है। मेहर जी लाइक न्यूज़पेपर की क्या इंपॉर्टेंस रहती है इस जुडिशियरी एग्जाम्स में? न्यूज़पेपर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें, आप रोज़ जैसे आप तो मैगज़ीन लेके एक मंथ की भी पढ़ सकते हो, बट उससे होता है कि आप जब रोज़ पढ़ते हो तो आपको एक जो टॉपिक है वो कैसे इवॉल्व हो रहा है, जैसे अब एनजैक का है या कोई भी ऐसा टॉपिक है, वो कैसे इवॉल्व हो रहा है, इसकी हर दिन न्यूज़ क्या आई, फिर उसमें लोगों ने लोगों के सिविल सोसाइटी के क्या व्यू पॉइंट्स थे, लॉ से क्या व्यू पॉइंट थे, वो सब पता चलते हैं। और फिर जब आप एट द एंड वो मंथली मैगज़ीन पढ़ते हो तो उससे आपका रिविजन भी हो जाता है, वो न्यूज़पेपर में जो आप पढ़ते हो फर्स्ट रीडिंग हो जाती है, फिर मंथली मैगजीन में आपका रिविजन हो जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैम ने पूरा बताया, प्री के लिए आपने बताया, मेंस के लिए मैडम ने बताया कि पॉइंट टू पॉइंट ही हमें करना चाहिए,
एंड न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस भी बताई, बिकॉज अगर डेली बेसिस पे करें तो आपके माइंड में भी रहता है. एंड मैं हर जी का हार्टली थैंक यू एंड स्टडी आई की तरफ से कंग्रेचुलेशन. एंड अगेन हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही एग्जाम्स क्लियर करते जाएँ. एंड थैंक यू सो मच.